ओके तेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई आईक्यू की तरफ से आने वाले कोने ब्रांड न्यू 5G फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में भाई 14th सितंबर को लॉन्च होने वाला है। जी गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई आईक्यू Z6 Lite 5G इसी फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, क्योंकि इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला एकदम लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू एंड मोस्ट पावरफुल चिपसेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट, एंड उसी के कारण ये फोन पहला फोन बन जाता है जो कि आपको इस चिपसेट के साथ में देखने को मिलता है। तो भाई इसलिए क्वेश्चन तो निकल के आता है कि भाई स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट, ये चिपसेट कितना पावरफुल निकल के आता है और इस फोन को हमें गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। तो डोंट वरी यार, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात करने वाले भाई आईक्यू Z6 Lite 5G इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप एंड इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी मोबाइल फिर BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट के साथ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, भाई इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तार, बात करते हैं भाई आईक्यू Z6 Lite 5G के बिल्ट इन डिजाइन के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए आपको बैक पैनल में दो बड़े सर्कल में दो ही कैमरास की हाउसिंग देखने को मिल जाती है। वैसे तो आपको तीन घंटे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक पे लिखा हुआ है भाई 5G। तो बेसिकली आपको दो कैमरास की हाउसिंग देखने को मिल जाती है, फ्लैट एजेस भी देखने को मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच यानी कि इन्फिनिटी वी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां आपको एक ही कैमरा की हाउसिंग देखने को मिल जाती है। तो बैक पैनल से ये जो स्मार्टफोन है वो काफी गुड लुकिंग सा स्मार्टफोन निकल के आता है, लेकिन फ्रंट से थोड़ा ये आपको आउटडेटेड सा डेफिनेटली लग सकता है। बट इस फोन में जो आपके स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, जो फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाली है, वो आपका दिल खुश कर देने वाली है। तो इसलिए हम लोग आईक्यू Z6 Lite 5G इस स्मार्टफोन के हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स और इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तो इस वीडियो के लास्टली डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में एंड जान लेते कि भाई आखिर ये फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला और स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट ये आखिर कितना पावरफुल निकल के आता है। तो इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, इन दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में अल्ट्रा। जी आ गए, इस ऐप आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है भाई स्मूथर अल्ट्रा। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आप आपको बैलेंस में भी अल्ट्रा एंड HD में आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 40 FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे आईक्यू Z6 Lite 5G इस फोन के साथ में। अब देखा आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट या आखिर कितना पावरफुल चिपसेट निकल के आता है जिसके कारण आपको इस फोन में ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। तो देखा स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट, इसका जो अंतिम स्कोर निकल के आता है वो लगभग 3,88,000 के ऊपर का निकल के आता है, यानी कि ऑलमोस्ट Dimensity 810 चिपसेट से ऊपर का निकल के आता है। एंड बेसिकली आप इसे कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 732 या फिर स्नैपड्रैगन 750G से, लेकिन ब्रांड चिपसेट होने के कारण भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको परफॉर्मेंस निकल के देता है। भले ही आपको इतनी ग्राफिक्स देखने को मिलती हो, लेकिन इसमें आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं भाई स्मूथर अल्ट्रा यानी कि 40 FPS की गेमिंग के बारे में, TDMI रैंगल एंड सैनोक के बूट कैम के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूंगा इस फोन में आपको कोई भी लैग वाला इशू देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है और ना ही आपको कोई भी रेंडरिंग को लेकर इशू देखने को मिलने वाला है। लेकिन वही बात करते भाई FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, तो इस फोन में आपको काफी ज्यादा सॉलिड FPS की स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। भाई TD में जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो आपको ऑल द टाइम प्रॉपर 38 से लेके 40 FPS बहुत ही इजीली मेंटेन करके देने वाला है, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और सिमिलर केस आपको इरांगल में भी देखने को मिल जाएगा, इरांगल में भी जो स्मार्टफोन है वो काफी हद तक 37, 38 और 40 FPS को बहुत ही इजीली मेंटेन कर पाता है, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। बस एक आधी बार क्लोज कॉम्बैट में कभी कभार जो इसके FPS है वो 36 FPS तक आते दिखाई देंगे, बट वो बहुत ज्यादा रेयरली ही होता है। 98% तक जो स्मार्टफोन है वो 37, 38 और 40 FPS को बहुत ही इजीली मेंटेन कर पाते। तो भाई इन शॉर्ट लेकर मैं आपको बताऊं तो TDMI एंगल में एक तरीके से आप ऑल द टाइम कॉन्स्टेंट प्रॉपर 40 FPS में गेम प्ले कर पाओगे भाई आईक्यू Z6 Lite 5G
इस फोन के साथ मी। लेकिन बात करते भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक्यो बूटकैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहाँ पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इस टाइम पे तारे बड़े बड़े फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते, तो भाई क्वेश्चन तो निकल के आएगा कि क्या आईक्यू G6 Lite 5G का ये स्मार्टफोन भी सैनोक्यो बूटकैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा अगर आप इस फोन का सैनोक्यो बूटकैंप करोगे और जब आप प्लेस से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहाँ पे आपको अपटू 33-34 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा भाई जैसे ही आप प्लेस से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात यह कि वो पलक झपकते ही फटाक से रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो लिटरली 35 से लेकर 40 के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज भी जब आप लैंड कर चुके हो, आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट करना पड़ रहा है भाई, तो भी उस इंटेंस भसड़ में IQ G6 Lite 5G इसके जो FPS आपको ऑल द टाइम प्रॉपर 37, 38 और 40 के बीच में ही हॉवर करते दिखाई देने वाले हैं। बस एक आधी बार क्लोज कॉम्बैट में इसके जो FPS वो 36 FPS तक आते दिखाई देंगे सैनोक्यो बूटकैंप में भी, बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्मार्टफोन है वो 37 से लेकर 40 FPS बहुत ही इजिली मेंटेन कर पाता है भाई इवन सैनोक्यो बूटकैंप में। तो 40 FPS की स्टेबिलिटी आपको IQ G6 Lite 5G में बहुत ही ज्यादा धासु से देखने को मिल जाएगी। एक तरीके से आप ऑल द टाइम प्रॉपर कॉन्स्टेंट 40 FPS में गेमिंग कर पाओगे भाई इस फोन के साथ में। तो गेमिंग के मामले में आपको ये फोन बिल्कुल भी डिस्पॉइंट नहीं करेगा स्पेशली इन 40 FPS। बाकी बात करते हैं इस फोन के जायरोस्कोप और इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो देखा इस फोन में आपको देखने को मिलता है फिजिकल वाला जायरोस्कोप, लेकिन उसमें आपको हल्का सा डिले देखने को मिलता है। जी हां गाइस, इस फोन के जायरोस्कोप में आपको बहुत ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो डेफिनेटली आपको महसूस होने वाला है कि भाई आपको हल्का सा डिले देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई अगर आप एक फुल जायरो प्लेयर हो तो आपको इस फोन के जायरोस्कोप में थोड़ी डिफिकल्टी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। बाकी अच्छी बात है कि इस फोन में आपको कोई मेजर हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलता है। कैजुअली जितने स्मार्टफोन हीट होते हैं ये भी स्मार्टफोन उतना ही हीट होता है, बट ओरिट फोन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आप आपको फोर लेट वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन के थर्मल को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते। तो अगर आप इस फोन में 1.5 घंटे की भी गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 39-40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी भाई आपको इस फोन के साथ में। लेकिन बात करते कि भाई आखिर आपको इतनी धासु लेवल की परफॉर्मेंस भाई किस स्पेसिफिकेशन यानी किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली, तो गाइस बात करते भाई IQ G6 Lite 5G इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स और इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो दैट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का एक 120 रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+ IPS LCD डिस्प्ले विद 240 के सैम्पलिंग रेट के साथ में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, बट अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 120 रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाता है और 240 के सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले का साइज काफी अच्छा निकल के आता है, डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले के फीचर्स भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। LPDDR4X एंड UFS 2.2 ROM का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। जी हां गाइस, इस फोन में आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और कोई भी आपको चार्जर इसके बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। फोन जो है वो 18W तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स में कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है। तो यार थोड़ी सोचने वाली बात है भाई, चार्जर तो कम से कम यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड कर देना ही चाहिए था, बट अब क्या ही कह सकते भाई, यहाँ पे आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है। बाकी बात करते हैं इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला एकदम ब्रांड न्यू मोस्ट पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट, जो कि भाई 6nm पे बना हुआ चिपसेट है, डुअल 5G चिपसेट है। यहाँ पे आपको 2 5G के बैंड देखने को मिलते हैं N77 एंड N78। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका जो अंतत्व स्कोर निकल के आता है वो लगभग 388,000 के ऊपर का निकल के आता है, तो पावरफुल तो काफी ज्यादा निकल के आता है, तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। बाकी बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो बेसिकली अभी तक इसके प्राइस के बारे में पूरी फुली इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आई है, बट लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई स्मार्टफोन हमारे इंडिया में 2 वेरियंट के साथ में देखने को मिल सकता है, 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। एंड इसका जो बेस वेरियंट होने वाला है कि 6GB 64GB, वो कहीं नहीं कहीं हमारे इंडिया में 13,500-14,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला था। देखो यार इस प्राइस सेगमेंट के साथ में वैसे तो जो स्मार्टफोन है वो काफी बेहतरीन से स्मार्टफोन निकल के आता है, लेकिन उन लोगों के लिए भाई जो कि नॉन जायरो प्लेयर हैं और वो ऐसे ही फोन की तलाश में थे, तो उनके लिए फोन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो भाई डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन नहीं होने वाला
है। बाकी आप सभी को ये फोन कैसा लगा मुझे आप एक कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा, एंड क्या आप इस फोन को बाय करना पसंद करोगे या नहीं मुझे आप ये भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। एंड हाँ, अगर आपको Redmi 11 Prime की सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन्स की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पोको M5 4G की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।